इवन दो यूट्यूब पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हुआ था, क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वेशंस के थ्रू समझना बहुत मुश्किल है। सो इस वीडियो में मैं आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को विजुअली समझाऊंगा, और एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा। थोड़ी बहुत इक्वेशंस भी यूज होंगी, बट दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये स्टोरी है दो फ्रेंड्स की, जो कि टाइम टी इक्वल जीरो पर एक ही पोजिशन पर है। इनमें से एक फ्रेंड रेस्ट पर है, जिसके फ्रेम को हम एस वन फ्रेम लेंगे, और दूसरा फ्रेंड वी वेलोसिटी से राइट साइड में मूव कर रहा है, इसके फ्रेम को हम एस टू फ्रेम लेंगे। तो एस टू फ्रेम कुछ टाइम टी के बाद वी टी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। सो अब एक ऑब्जेक्ट लेते हैं राइट साइड में, और इसके डिस्टेंस को एस वन और एस टू के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो एस वन के रिस्पेक्ट में ये एक्स वन डिस्टेंस पर है, और एस टू के रिस्पेक्ट में ये एक्स टू डिस्टेंस पर है। तो इस फिगर से हम देख सकते हैं कि x2 इज इक्वल टू x1 माइनस vt। ये इक्वेशन और t2 इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू t से हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। आगे बढ़ने से पहले हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ पोस्टुलेट्स पता होने चाहिए। तो फर्स्ट इज कि फिजिक्स के लॉज सभी इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहते हैं, और दूसरा है कि स्पीड ऑफ लाइट हर एक रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट सी होती है। यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। अगर S2 क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहा होता तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड नहीं होते, और वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से भी मैच नहीं करते। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम S1 रेफरेंस फ्रेम से S2 को ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं सिंपली पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता तो मैं X एक्सिस पर टाइम और Y एक्सिस पर पोजीशन प्लॉट करता। S2 का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका स्लोप V होगा। अब स्पेशल रिलेटिविटी में इट्स यूजफुल टू फ्लिप द कोऑर्डिनेट्स, मतलब x एक्सिस पर पोजीशन और y एक्सिस पर ct1। ये रीजन आपको पता चलेगा बाद में, सो बियर विद मी। यहाँ पर c स्पीड ऑफ लाइट है, s1 अपने रेफरेंस फ्रेम में रेस्ट पर होगा, मतलब हर एक टाइम इंस्टेंट पर वो x1 इज इक्वल टू जीरो पर होगा। तो s1 को हम एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। s2 क्योंकि s1 के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर होगा v by c, 1। इस लाइन के अलोंग और भी वेक्टर्स हो सकते हैं, बट वो इस वेक्टर के स्केलर मल्टीपल ही होंगे, सो हमें सारे वेक्टर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। s1 के रिस्पेक्ट में लाइट c स्पीड से मूव करेगी इन बोथ डायरेक्शंस, लेफ्ट एंड राइट। तो इस प्लॉट में लाइट को एज अ 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लाइट लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकती है सेम स्पीड से, इसलिए यहाँ हमने लाइट के पाथ को दो लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो अब हम S2 के रिस्पेक्ट में S1 को ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा करने पर S2 रेस्ट पर होगा और S1 लेफ्ट साइड मूव करेगा V वेलोसिटी के साथ। S2 अपने रेफरेंस फ्रेम में रेस्ट पर होगा, तो यहाँ भी S2 को हम एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। S1 क्योंकि S2 के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसकी डायरेक्शन के अलोंग एक वेक्टर होगा नेगेटिव v by c, 1। इस लाइन के अलोंग और भी वेक्टर्स हो सकते हैं, बट वो इस वेक्टर के स्केलर मल्टीपल ही होंगे। और यहाँ भी लाइट क्योंकि c स्पीड से ही मूव करेगी, तो लाइट के लिए 45 डिग्री लाइंस होंगी। तो यहाँ पे हम दो 45 डिग्री लाइंस बनाएंगे, एक प्लस 45 डिग्री की और एक नेगेटिव 45 डिग्री की। तो अब हमारे पास दोनों रेफरेंस फ्रेम्स के रिस्पेक्ट में प्लॉट्स हैं। बट इस वीडियो में मेरा मेन एम ये है कि मैं एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन बिल्ड करूँ, जिससे अगर मुझे S1 के रिस्पेक्ट में इवेंट पता है
तो मैं उस इवेंट को S2 के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकूं। और अगर मुझे S2 के रिस्पेक्ट में कोई इवेंट पता है तो मैं उसे S1 के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकूं। तो इस ग्रिड पर वो सारे इवेंट्स हैं जो कि S1 ऑब्जर्व करेगा। रेड लाइन S1 है और ग्रीन लाइन S2 रेफरेंस फ्रेम है। तो मैं एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड करना चाहता हूँ जिससे मैं अपने कोऑर्डिनेट्स को S1 से S2 रेफरेंस फ्रेम में कन्वर्ट कर सकूँ। ऑल्सो यहाँ पर आप नोटिस करो कि लाइट का पाथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान 45 डिग्री लाइन पर ही बना हुआ है। तो इसको समझने के लिए हम इन दो लाइंस के अलोंग वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे और जब ये वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म होंगे तो ये या तो स्ट्रेच होंगे या फिर कॉम्प्रेस होंगे। और अगर एक डायरेक्शन के अलोंग वेक्टर किसी फैक्टर से स्ट्रेच हुए हैं जैसे y इज इक्वल टू नेगेटिव x लाइन, तो दूसरी डायरेक्शन के अलोंग उतने ही फैक्टर से वैक्टर्स कॉम्प्रेस भी होंगे जैसे कि y इज इक्वल टू x लाइन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट 1 होगा। इस आइडिया को मैंने एक फॉलो अप वीडियो में ज़्यादा रिग्रेसली प्रूव किया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक मेट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। S1 कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक पॉइंट को हम x1, ct1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और S2 कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को हम x2, ct2 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स S1 से S2 के लिए एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज a, b, c, d हैं। हमें इन वैल्यूज को ही फिगर आउट करना है। फिजिक्स में अगर हम वेरिएबल्स को नाम दे देते हैं तो मोर ऑफन हमारा वर्क ईजी हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स को भी हम m वैल्यू असाइन कर देते हैं। हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पर ऐसी दो डायरेक्शंस हैं जिनके अलोंग वेक्टर्स सिर्फ स्केल अप या स्केल डाउन होते हैं, बट वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करते। और ये दो डायरेक्शंस हैं 45 डिग्री लाइन और नेगेटिव 45 डिग्री लाइन, जहाँ पर हम लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन डायरेक्शंस के अलोंग दो वेक्टर्स होंगे 1,1 और 1,-1। तो अगर हम इन वेक्टर्स को इस इक्वेशन में पुट करें, 1,1 वेक्टर को पुट करने से हमें आउटपुट मिलेगा 1,1 का एक स्केल्ड वेक्टर और 1,-1 को पुट करने से हमें आउटपुट मिलेगा 1,-1 का एक स्केल्ड वेक्टर। यहाँ पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इस ट्रांसफॉर्मेशन की आइगन वैल्यूज़ हैं। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को आप 3Blue1Brown के एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो से समझ सकते हैं, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लेना। एनीवेज, इन दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हमें ये वेक्टर इक्वेशन मिलेगी। इन वेक्टर इक्वेशंस को ऐड करने से हमें वेक्टर 2a,2c मिलेगा और इन वेक्टर इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने से हमें वेक्टर 2b,2d मिलेगा। नोटिस करो कि अगर हम सेकेंड वेक्टर को फ्लिप कर दें तो वो फर्स्ट के जैसा दिखेगा। दिस मीन्स कि वेक्टर a,c इज इक्वल टू वेक्टर d,b और सिंपली a इज इक्वल टू d एंड b इज इक्वल टू c। इस कंडीशन को ओरिजिनल मैट्रिक्स में पुट करते हैं तो हमारे पास m के लिए एक सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगोनल के अपोजिट एंट्रीज इक्वल है। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में एक विजुअल थिंकिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर हम i वेक्टर को एक सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म करें तो वो किसी एक पॉइंट पर लैंड करेगा, बट अगर मैं सेम ट्रांसफॉर्मेशन j वेक्टर के साथ भी करूं, तो i और j वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x।
ये चीज मैं x एक्सिस और y एक्सिस पर किसी भी वेक्टर के लिए कर सकता हूं। तो अब वेक्टर्स सिर्फ y is equal to x के अबाउट ही नहीं बल्कि y is equal to negative x के अबाउट भी एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे, और इसलिए इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। तो इस चीज को लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में देखने के लिए हम S1 के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट लेबल्स X1 और CT1 हो जाएंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब हम S2 के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि X1 लाइन और CT1 लाइन Y is equal to X लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमिलरली अगर हम X2 और CT2 लाइन बनाते हैं जो कि S2 फ्रेम के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो भी y is equal to x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। ऑल्सो ये सभी लाइन्स y is equal to minus x के अबाउट भी सिमेट्रिक होंगी। तो अब s1 फ्रेम के रिस्पेक्ट में ct1 एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं। ये यूनिट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो हमने पहले भी देखा था कि वो माइनस वी बाय सी कॉमा वन होगी, और यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन के अलोंग किसी भी वेक्टर पर लैंड कर सकता है। तो हम इस डायरेक्शन का एक स्केलर मल्टीपल लेते हैं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें b इज इक्वल टू नेगेटिव ए वी बाय सी मिलेगा, और इसका यूज़ करके हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेट्रिक्स और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट 1 है, इसकी वजह से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें a के लिए एक एक्सप्रेशन मिलेगा v के टर्म्स में। इस एक्सप्रेशन को मोर ऑफन गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस गामा को लॉरेंट्स फैक्टर भी बोला जाता है। तो फाइनली हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं जहां गामा लॉरेंट्स फैक्टर है और उसकी वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को ज़्यादा इंटुइटिवली हम इनपुट और आउटपुट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन S1 रेफरेंस फ्रेम से S2 रेफरेंस फ्रेम में कन्वर्ट करता है। सो ये है फाइनली लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक एक्सप्रेशन। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में बहुत कम देखते हैं, जो इसका यूजुअल फॉर्म हम देखते हैं वो ये है, बट मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो इसका ज़्यादा इंटुइटिव है, और इससे आप लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हो। इस वीडियो का एक फॉलो अप वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 क्यों होगा। तो अगर आपको और जानना है तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने लीनियर अलजेब्रा का बहुत यूज़ किया है, तो लीनियर अलजेब्रा को विजुअली समझने के लिए आप 3 Blue 1 Brown की एक सीरीज़ है असेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा, उसको ज़रूर देखना क्योंकि उससे आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने में बहुत मदद मिलेगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय गाइज़।